हेलो फ्रेंड्स, एक सेलर हैं जितेंद्र शर्मा। उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग क्या रखनी चाहिए, किस हिसाब से प्रॉफिट लेना चाहिए हमें। तो इसका एक सिंपल सी एक लॉजिक है जो मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ उसी तरीके से मैं आपको एक मतलब लॉजिक बताता हूँ कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रखनी चाहिए। देखिए, एक प्रोडक्ट है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, ये मैं मान लेता हूँ किड्स का मेरे पास शॉर्ट्स है। इसकी कॉस्टिंग जो है नियर अबाउट 200 आई है। मैं कहता हूँ इसकी 200 कॉस्टिंग आई है जो मुझे यहाँ पे इन वेयर हाउस मेरे पड़ा है। तो अब मैं इसको इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रखता हूँ 200 इंटू थ्राइस, यानी कि 600 हो गया इसकी कॉस्टिंग जो हम मार्केट प्लेस पे इसकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे इस प्राइस रेंज पे। क्यों करेंगे, इसके ब्रेकअप मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट का टैक्स, यानी कि जीएसटी टैक्स। जीएसटी जो भी आपका होगा, इसको टैक्स भी कह लेता हूँ मैं। तो मेरा एक गारमेंट पे है 5%, तो 600 का 5% हो गया 30। इसी तरीके से इनका इसका जिस भी मार्केट प्लेस पे आप बेचें, ईबे जनरली 12% लेता है, अमेज़ॉन 17, अराउंड 20%। तो एक कॉमन सा हम इसको सपोज़ कर लेते हैं 20% कमीशन है हमारी मार्केट प्लेस का जिस भी वेबसाइट पे हम बेचते हैं। तो कमीशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कमीशन हो गया हमारा, कमीशन हो गया 20%, 20% 600 का, तो करीब ये हो गया 6 × 12 120, 120 रुपीज़ आपका कमीशन हो गया मार्केट प्लेस का। अब थर्ड चीज़ आती है इसमें, शिपिंग। शिपिंग जनरली आप एक कॉस्ट मान के चलिए, अगर आप अपने आप शिप कर रहे हैं प्रोडक्ट, कोई आपकी इंडिया पोस्ट यूज़ कर रहे हैं या किसी कोरियर वाले से आपका टाई अप है, तो 50 रुपये में मानता हूँ। वैसे जनरली होता क्या है, 70 रुपीज़ शिपिंग इसकी लगती ही है। तो ये 70 रुपीज़ इसके शिपिंग आ गई है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं पैकेजिंग की। तो देखिए, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए एक पॉलीथीन ये आ गई, मैं 1 रुपये की ये मानता हूँ। इसी तरीके से इसको सील करने के लिए टेप लगेगा, तो 1 रुपये की कॉस्टिंग वो मानता हूँ मैं। फिर ये 5 से 7 रुपये की पॉलीथीन ये हो गई, तो 7 रुपये की पॉलीथीन ये मानता हूँ मैं, तो ये हो गए 9 रुपये। इसी तरीके से फिर ये एक रुपये की ये स्लिप आएगी, एड्रेस स्लिप, जो कस्टमर की पेस्ट होगी पैकेट पर। तो इसको ओवरऑल में जो इसकी जो कॉस्टिंग मानता हूँ, पैकिंग कॉस्टिंग प्रोडक्ट की, पैकिंग कॉस्टिंग में इसकी 10 रुपये मान लेता हूँ, 10 रुपये कॉस्टिंग मान। अब इन 1, 2, 3, 4 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो निकलेगा 0, 3, 2, 5, 7, 12, 13, 1, 2, 2, 30 रुपीज़ निकला हमारी इसकी कॉस्टिंग। तो अब देखिए, ये जो है हमारे प्रोडक्ट का जो हमने कॉस्ट रखी थी, वो रखी थी 600। तो ये 600 माइनस जो हमारा ये सब खर्चा हुआ है, कमीशन कह लें उसे हम, शिपिंग पैकिंग वगैरह, तो 230 रुपीज़ हमने यहाँ से माइनस करा, तो हमारा ये आ गया 370 रुपीज़। तो ये 370 रुपीज़ जो आया, अब इसमें हमारी ये कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग थी वो थी 200, तो वो 200 यहाँ पे माइनस करेंगे हम 200, तो ये आया हमारा 170। तो 170 हमारा जो है, एक तरीके से हम कह रहे हैं सारा कमीशन कटने के बाद, शिपिंग कटने के बाद हमें मिला है 170 रुपीज़। लेकिन इस 170 रुपीज़ को आप ये मत समझिए कि ये प्रॉफिट है हमारा। अभी इसमें जब आपने मान लीजिए ये 200 के पैकेट जो हैं, 10 पैकेट शिप करें और इसमें से 2 पैकेट या 3 पैकेट रिटर्न आ गए आपके पास, अब अगर आप स्नैपडील या अमेज़ॉन पे भेज रहे हैं तो उस शिपिंग रिवर्स शिपिंग चार्ज भी लगेगा आप पे, प्लस उस पर सर्विस टैक्स भी लगेगा। तो अब मैं इसमें से 50 रुपये और माइनस कर देता हूँ, तो यानी कि मेरा प्रॉफिट निकल के आया 120। तो मैंने जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा था वहाँ पे, मतलब जो सेलिंग के लिए रखा था वो 600 का रखा था, उसमें से सब कुछ माइनस होके कमीशन टैक्स वगैरह शिपिंग पैकिंग चार्जेस 120 आया है मेरा टोटल, मतलब मेरा मार्जिन 120 आया है। तो अब अगर आपकी प्रोडक्ट की मूवमेंट अच्छी है,
सही सेल आउट हो रहा है इस प्राइस रेंज पे, तो वही रहने दीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट मीन्स अगर कोई कंपटीटर है इस प्रोडक्ट में, तो आपके पास इतना मार्जिन है 120 का कि आप उसमें 50 रुपये 60 रुपये और कम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक बात यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मैंने कॉस्टिंग बताई है नॉन ब्रांडेड की बताई है, जो मैं अपना खुद से मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ, जैसे ये शॉर्ट्स हो गया, शर्ट्स वगैरह हो गई, 5-6 शर्टें ली और उनकी कॉस्टिंग निकाली और इसी तरीके से मैं सेल आउट करता हूँ। ब्रांडेड में मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे ब्रांडेड के बारे में नॉलेज भी नहीं है, किस प्राइजिंग पर बिकता है, क्या मार्जिन होता है, मुझे कुछ उसमें नॉलेज नहीं है। सिर्फ ये नॉन ब्रांडेड के लिए है।